हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कस्टम मम्स किचन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्या आई हूँ, दाल चावल की रेसिपी। और सिर्फ हम लोग बना करके रेडी करेंगे 10 मिनट में। अगर आपके पास टाइम कम हो और आप लोग 10 से 15 मिनट में कुछ बना करके रेडी करना चाहते हो तो इस तरह का रेसिपी आप लोग ट्राई कर सकते हो। बस 10 मिनट में ये रेसिपी बन करके हो जाएगी रेडी। तो चलिए आज की रेसिपी देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया था दाल। तो दाल मैंने लिया था तुअर का और मूंग का। तो इन दोनों को अच्छे से मैंने धो करके रख दिया था और यहाँ पर डाल दिया कुकर में। अब हम लोग इसमें डाल देंगे पानी। तो जिस कटोरी से मैंने दाल लिया था, तो दाल मैंने आधी कटोरी लिया था, तो एक कटोरी मैंने डाला है पानी। और अब हम लोग इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक और थोड़ी सी हल्दी। तो यहाँ पर डाल दिया है हल्दी भी। और यहाँ पर बस थोड़ा सा हम लोग डाल देंगे ऑयल। तो आप लोग कोई भी ऑयल डाल सकते हो। और इसके बाद इसका हम लोग ढक्कन कर देंगे बंद। तो आप लोग देख सकते हो, मैंने ऑयल डालने के बाद इसका हमने अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर दिया। और हम लोग यहाँ पर इसका ढक्कन कर देंगे बंद और इसको हम लोग 4 से 5 सीटी आने तक इसको हम लोग पकाएंगे। बस गैस के ऊपर डाल देंगे और 4 से 5 सीटी आने तक पकाएंगे। तो जब तक हमारी दाल बन रही है तब तक मैंने यहाँ पर डाल दिया था चावल। और बस तो चावल भी 5 से 10 मिनट में ही बन जाएगी। तो बस चावल मैंने डाल दिया था और बस इस चावल को हम लोग बनने देंगे। और जब चावल अच्छी तरह से पक जाएगी तो इसका हम लोग पानी निकाल के फिर हम लोग इसमें लगाएंगे तड़का। तो चलिए अब हम लोग देख लेते दाल। तो दाल अच्छी तरह से पक चुकी है, अच्छी तरह से दाल हमारी गल चुकी है। तो हम लोग इसमें अब लगा लेंगे तड़का। तो तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लिया है टमाटर और एक हरी मिर्च, 5-6 कली लहसुन का लिया था जिसको अच्छी तरह से मैंने कट कर लिया है, और एक बड़ा साइज का लिया था प्याज। तो यह मैंने यहाँ पर एक पैन डाला है और पैन में 2 चम्मच जितना डाला है तेल। तो तेल अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो तेल हमारी गर्म हो चुकी है तो हम लोग डाल देंगे जीरा। और जीरा को अच्छे से हम लोग छिड़कने देंगे। अब हम लोग डाल देंगे इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन। तो लहसुन को भी अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो बस गोल्डन ब्राउन इसका कलर हो चुका है लहसुन का। तो हम लोग अब डाल देंगे अपना कटा हुआ प्याज और एक हरी मिर्च। तो अगर आप लोग ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो यहाँ पर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। जब हम लोग डाले थे ना जीरा उसी समय, तो आप लोग उस समय लाल मिर्च डाल सकते थे। और मैंने यहाँ पर एक ही लिया है हरी मिर्च और इसको डाल दिया है। और हम लोग इसको गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को पकाएंगे। तो प्याज का कलर आप लोग देख सकते हैं चेंज हो गया था। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया एक कटा हुआ टमाटर और इसको भी हम लोग पकने देंगे। तो टमाटर को अच्छी तरह से हम लोग गलने देंगे। तो आप लोग देख सकते हो टमाटर प्याज अच्छी तरह से पक चुकी है। तो अब हम लोग डाल देंगे दाल। तो दाल मेरी बहुत ज़्यादा गाढ़ रही थी तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी करके दाल में डाल दिया था। अगर आप लोग की दाल ज़्यादा ही पतली ना हो तो आप लोग पानी नहीं भी डाल सकते। तो मेरा दाल थोड़ा सा गाढ़ा था तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी करके डाल दिया था पहले ही। और बस डाल दिया है तड़का में दाल को और इसको एक उबाल आने तक इसको पकाएंगे। और मैंने एक पिंच से भी कम यहाँ पर डाला लाल मिर्च पाउडर। तो अगर आप लोग डालना चाहते हो लाल मिर्च पाउडर तो डाल सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। तो बस एक उबाल आने तक हम लोग इसको पकाएंगे दाल को। तब लोग देख सकते हैं दाल में उबाल आना शुरू हो चुकी है। तो बस यहाँ पर हम लोग गैस को कर देंगे बंद। तो बस दाल हमारी बन चुकी है। तो चलिए फटाफट से हम लोग चावल में भी तड़का लगा लेते हैं। तो बस जीरा राइस बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग लेंगे 1 चम्मच घी। तो घी हमारी गर्म हो चुकी है और अब हम लोग डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। तो जीरा को अच्छी तरह से हम लोग चिरकने देंगे और यहाँ पर थोड़ी सी डाल देंगे दालचीनी और एक दो लौंग और एक इलायची। तो इन सभी को अच्छे से भून लेंगे और इसके बाद हम लोग डाल देंगे अपना चावल। तो चावल मैंने यहाँ पर डाल दिया है और इसको हम लोग अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे चावल को। तो बस इसी तरह से हमारी जीरा राइस भी बन चुकी है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको दाल दिखाती हूँ। तो दाल मैंने रख दिया था एक बाउल में और ऊपर से मैंने थोड़ा सा डाल दिया था घी और बस थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी डाला था ऊपर से।
और घी को भी अच्छी तरह से हम दाल में मिक्स कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हो दाल कितना अच्छा लग रहा है, तो आप लोग इस तरह से ट्राई कर सकते हो दाल। तो चलिए हम लोग सर्व कर लेते हैं दाल चावल। तो मैंने यहाँ पर दाल चावल को सर्व कर लिया, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर साइड में रखा है चावल और दाल, और यहाँ पर थोड़े से छोटे छोटे से पापड़ मैंने फ्राई किया था उसको भी डाल दिया था, और यहाँ पर है ये मिर्ची का अचार। तो आप लोग इस तरह से इंजॉय कर सकते हो और खा सकते हो। तो फ्रेंड्स यही थी आज की हमारी रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना।